मैडम काशिफ ने मुझे घर से निकाल दिया। उसकी नजर में मैं बहुत गलत हूँ। मैंने बीए के पेपर देके बहुत गलती की है। उसने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे माँ बाप ने भी मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने भी मुझे नहीं समझा। मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? सायरा, मैं आपके पास आई। आप तो मेरा साथ देंगी ना? सायरा, तुम परेशान क्यों होती हो बेटा? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और मेरा घर है ना तुम्हारे लिए। जब तक दिल चाहे यहाँ रहो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे बेटा। एक दिन देखना, तुम्हारा शोहर भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा, है ना? रो नहीं, परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हो बेटा। हाँ खाला, बोलो क्या बात है? बेटा, सायरा गुस्से की जरा तेज है, जरूर उसने ही कोई बदतमीजी कर ली होगी। बेटा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। उसे माफ कर दो बेटा, उसे घर वापस ले जाओ। नहीं खाला, अब मैं उसे ऐसे तो नहीं लेकर आऊंगा। चंद दिन उसको वहीं पर पड़े रहने दो। जब उसके दिमाग से पढ़ाई का भूत उतर जाएगा ना, तो आ जाएगी खुद ही। हेलो हेलो, और जो नहीं है मैं लिख कर दे दूंगी, आप ला दोगे ना? मैंने तुझे शुरू में ही मना कर दिया था कि मुझे पढ़ाई वढ़ाई के चोचलेबाजी पसंद नहीं है। औरत को शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ घरदारी करनी चाहिए और अपने शौहर की खिदमत, बस। तो वो तो मैं कर ही रही हूँ, उसमें तो कोई कमी नहीं है ना? अब ये कमी नहीं है तो और क्या है? अब तू पैसे को खराब करेगी फीसों पर, किताबों पर। वो अच्छा, वो मैंने घर के सामान की थोड़ी लिस्ट तैयार की है, आप वापसी में लेते हुए आइएगा। ये घर के खर्चे पानी की लिस्ट आजकल ज्यादा लंबी नहीं होती जा रही है? अगर मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। बस ये बातें करवा लो तुमसे। तुमने भी तो सिलाई कढ़ाई का कोर्स किया हुआ है ना, तुम सिलाई क्यों नहीं शुरू कर देती? वैसे भी कुछ अरसे बाद मेरे इम्तिहान है। बेटा, तू जानती है ना शोहर का क्या रुतबा होता है? शोहर मिजाजी खुदा होता है। आप मुझे पढ़ाएंगी ना? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे इजाजत नहीं देते। आप अगर मेरी हेल्प करेंगी तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको पढ़ने का इतना शौक है। बिल्कुल, आप मेरे पास आइएगा, मैं आपकी एजुकेशन में हेल्प करूंगी। चलो भाई, ये तो अच्छी बात हो गई कि सिलाई कढ़ाई का काम आ गया। इससे तुम भी मसरूफ हो गई, चार पैसे भी घर में आने लगे। देखना, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा और तुम्हारा शौहर भी तुम पर फखर करेगा इंशाल्लाह। तूने अच्छा नहीं किया ये, अच्छा नहीं किया सायरा तूने। तो कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया मैंने जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? आप क्या करते हो, क्या काम करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या आपने कभी खुद से मुझे बताया? सायरा, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरे लिए क्या किया सिवाय हौसला शिकनी के? सायरा, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं आंटी, फारिग थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम ही कर लूं। क्यों, आज तुम्हारे ट्यूशन के बच्चे नहीं आए? आए थे पर जल्दी पढ़कर चले गए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कंप्यूटर क्लासेस कैसी जा रही हैं? मेरा कंप्यूटर कोर्सेज A1 जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज और भी कर लिए। वेरी गुड, ये तमाम कोर्सेज तुम्हारे बहुत काम आएंगे। बस तुम हमेशा खुश रहा करो, हंसती मुस्कुराती रहा करो। मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम हिम्मत। सायरा, सायरा,
सायरा, मैं अभी पड़ोस में नेट पे तुम्हारा रिजल्ट देखकर आई हूँ, तुम A1 ग्रेड से पास हो गई हो। सच मैडम? बहुत बहुत मुबारक हो। मैडम आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, ये सब आपकी मेहनत और हौसला अफजाई का नतीजा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझे मैडम मत कहा करो, आंटी बुलाया करो। अब तो मेरी दिल से ख्वाहिश है कि तुम CSS की तैयारी करो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसमें जरूर कामयाब हो जाओगी। मैं आपकी ये ख्वाहिश दिन रात मेहनत करके जरूर पूरी करूंगी। और मैं भी दिन रात मेहनत करूंगी तुम्हारे इम्तिहान की तैयारी में। मैडम आप किस सोच में गुम हो गई? कुछ नहीं, शादी से पहले मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे वालदेन ने मेरी शादी कर दी। वो तो शुक्र हुआ कि मेरे शौहर एक तालीम याफ्ता इंसान थे। मुझे जब पता चला कि मुझे तालीम का इतना शौक है तो उन्होंने मेरे लिए बहुत ताबून किया, मुझे पढ़ाने में बहुत मदद की। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ अपने शौहर की वजह से। आंटी मैं दिन रात मेहनत करके आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। बस बस मुझे ज्यादा तकलीफ मत सुना। वैसे ही तेरी माँ ने तुझको इंटर करवा कर तेरा दिमाग साफ आसमान पर पहुंचा दिया। एक या कर ज्यादा पढ़ लिख गई ना तो तुझे जूते की नोक पे रखेंगी नोक पर। और मर्द तो वही होता है जो औरत को दबा के रखे दबा के। ऐसा करता हूँ कि मैं घर के बाहर एक बोर्ड लगवा लेता हूँ, यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। उससे ये होगा कि कुछ काम भी आ जाएगा और तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि तू घर में कपड़े सी रही है और खुश है, लेकिन नहीं, मुझ बेवकूफ को क्या पता था कि तूने एक और इम्तिहान दे दिया। तूने अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया सायरा। तू रही है तो कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया मैंने जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? आप क्या करते हो, क्या काम करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या आपने कभी खुद से मुझे बताया? बकवास कर दिया। सायरा, सायरा क्या हुआ आंटी, क्या बात है, आप इतनी खुश नजर आ रही हैं, मुझे भी तो बताएं। सायरा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम CSS के इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो गई हो। सच? सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि 2000 कैंडिडेट में से सिर्फ 2 लड़कियां पास हुई, जिनमें से एक तुम हो। नहीं आंटी, ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं, ये आपकी भी कामयाबी है, ये आपकी भी दिन रात मेहनत का नतीजा है जो आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और है। यार क्या बात है, आज तो सुबह सुबह सारा स्टाफ नजर आ रहा है। क्या तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे ऑफिस में एक नई ऑफिसर ज्वाइन हुई है और वो एक मैडम है। अरे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कई अफसर आना है और कई चले गए। ये ले पानी पीजिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी सीट में एक औरत आई है। यार इसका शौहर इस पे कितना फकर करता होगा, इसकी बीवी इतनी बड़ी ऑफिसर है। काशिफ एक गिलास मैडम को पानी दे दीजिएगा अंदर। जी सर। मैडम पानी। तुम
अबे क्या हुआ, ये ऐसे मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? जब भाभी याद आ रही है। अबे तेरी भाभी ने तो आज ऐसा कारनामा किया है ना कि दिल तो चाह रहा है कि उसका मैं गला ही दबा दूं। ऐसा क्या कह दिया भाभी ने, तो तेरा खून खुले जा रहा है। अबे मुझको नीचा दिखाने के लिए मेरे ही दफ्तर में मेरी मैडम बन के आ गई है वो। अबे तो मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये पढ़ लिखा तुझे नीचे दिखाना चाहेगी, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। देख इसीलिए तुझे वो अपने ऑफिस में हमेशा जलील करेगी। तू सही कह रहा था दीन। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी अफसरदा क्यों नजर आ रही हो? आज तो तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन था ना। आंटी आज ऑफिस में मेरा सामना काशिफ से हुआ, वो वहाँ पियोन का काम करता है और मुझे वहाँ तमाशा बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहती कि वो ये समझे कि मैं उसे नीचा दिखाने के लिए और उसे बेइज्जत करने के लिए वहाँ काम करने आई हूँ। आंटी प्लीज आप मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दें, किसी दूसरी जगह। सायरा बेटा मुझे तुम पे फख्र है, जिस शख्स ने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादतियां की उसका इतना एहसास है। देख लेना एक दिन वो तुम्हारी कदर करेगा और वापस तुम्हारे पास आएगा। अच्छा चाय पियोगी अच्छी सी? मैं चाय बना के लेके आती हूँ, ठीक है? चाय लेके आती हूँ। मुश्ताक मैडम कहाँ? बॉस के रूम। तुम जो चाहती थी वो तुमने कर दिखाया। तुम मुझको इस ऑफिस में नीचा दिखाने के लिए आई हो ना? मियां बीवी के रिश्ते में कोई ऊंच नीच नहीं होती, और मैंने तुम्हें कभी नीचा दिखाना नहीं चाहा। मैं सिर्फ तालीम हासिल करना चाहती थी और तुम्हारा सहारा बनना चाहती थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ट्रांसफर बहुत जल्द यहाँ से कहीं और करवा दूँगी। काशी भाई क्या हाल है? कैसे हो? बस अल्लाह करम, मौसम बड़ा अच्छा है यार आज, कभी धूप कभी छाऊं। हाँ अच्छा, वो आदिल बता रहा था कि भाभी बड़ी ऑफिसर बन गई है। देख यार तू उसकी बातों में मत आना, उसकी तो आदत है कि बातें बड़ा चढ़ा के बताना और घरों में आग लगाना। तू बस अपना घर बचा। नहीं यकीन, आदिल ठीक ही कहता है, वो मुझको नीचा दिखाना चाहती है। यार कैसी बातें कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? एक अदना सा छोटा सा कम पढ़ा लिखा, भाभी को अगर खुला लेनी होती ना तो तुझसे कब की ले चुकी होती, और चाहे तो एक मिनट में ले लें। देख यार तू भाभी के घर जा और अपनी गलतियों की माफी मांग और इस मसले को खत्म कर, घर बसा अपना। आदिल बता रहा था कि भाभी बड़ी ऑफिसर बन गई है। देख यार तू उसकी बातों में मत आना, उसकी तो आदत है कि बातें बड़ा चढ़ा के बताना और घरों में आग लगाना। तू बस अपना घर बचा। नहीं यकीन, आदिल ठीक ही कहता है, वो मुझको नीचा दिखाना चाहती है। यार कैसी बातें कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? एक अदना सा छोटा सा कम पढ़ा लिखा, भाभी को अगर खुला लेनी होती ना तो तुझसे कब की ले चुकी होती।
मैडम मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अपने किए पर भी बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं सायरा से माफी मांगना चाहता हूँ और आप भी मुझे माफ कर दें। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हारी बीवी इतनी बड़ी ऑफिसर होने के बावजूद उसका मकसद हरगिज तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि वो तो तुम्हारा सहारा बनना चाहती थी और ये सब कुछ तालीम के बगैर नामुमकिन था। मैडम मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप मुझे पढ़ा दें तो। क्यों नहीं, जरूर। जब सायरा पढ़ लिख के ये मुकाम हासिल कर सकती है तो तुम क्यों नहीं।